हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे, मज़े होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबीटेक ब्लॉग। तो दोस्तों, इस टाइम जो सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि HW22 लेना चाहिए या HW22 Pro। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि भैया, मैंने HW22 Pro अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो किस तरह से मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया था और आज मेरे पास HW22 Pro वॉच आ गई है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन देने की कोशिश करूँगा। बाकी इसको मैं अच्छे से यूज़ करूँगा 10-15 दिन, उसके बाद इसका फुल रिव्यू लेकर आऊँगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखना, क्योंकि जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसको जानूंगा नहीं कि ये कैसी वॉच है, तब तक आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा वेट करना, फुल रिव्यू जल्दी इसका आएगा, बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। यहाँ पर ऊपर साइड में HW22 Pro लिखा हुआ है और डेल की डिज़ाइन बनी हुई है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर वायरलेस चार्ज लिखा हुआ है, मतलब ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। उसके साथ ही बैक साइड की बात करें तो कुछ जानकारी यहाँ पर भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज 6 स्पेस एलुमिनियम केस और 44 mm इसका डायल साइज है। तो चलिए इसको अनरैप करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ऊपर साइड में सबसे पहले स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है और इसको इस तरह खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी किस तरह से स्ट्रैप को लगाना है। बाकी सबसे पहले स्ट्रैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है और स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको स्ट्रैप मिल जाता है, बट इसको बेस्ट क्वालिटी का नहीं कह सकते हैं, तो डिसेंट क्वालिटी का यहाँ पर आपको स्ट्रैप मिलता है। तो फिलहाल रखते हैं साइड में और आते हैं वॉच की तरफ। तो यहाँ पर आपको वॉच रखी हुई मिल जाती है जो कि रैप की हुई है, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर आपको वॉच मिल जाती है। तो फिलहाल इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है जैसा कि बॉक्स पर मेंशन था। तो देख सकते हैं कोई भी पिन यहाँ पर नहीं है, तो USB A2 वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। बाकी देख लेते हैं कि इसमें मैगनेट है या नहीं है। तो जी हाँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको मैगनेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है और इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको QR कोड भी मिलने वाला है जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाते हैं और आते हैं वॉच की तरफ। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड में आपको यहाँ पर क्राउन मिल जाता है, उसके नीचे माइक्रोफोन मिलता है और यहाँ पर आपको बटन मिल जाती है और बटन भी प्रॉपर वर्क कर रही है। उसके साथ ही लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर वेंट मिल जाता है, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ LED लाइट्स मिल जाती है। वहीं फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ पर आपको 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, तो दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ भी मिलता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि बैटरी है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ आ गया है और ये नीचे वाली बटन से ऑन होगी। और वॉच ऑन हो गई है। तो अभी स्ट्रैप भी लगाकर देख लेते हैं कि स्ट्रैप की फिटिंग किस तरह से मिलती है। तो इसको भी लगाकर देख लेते हैं। तो स्ट्रैप लगने में थोड़ा सा दिक्कत तो हुई, बट फिटिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, क्राउन भी वर्किंग इसमें मिलता है और क्राउन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट लग रहा है और कलर वगैरह काफ़ी सही आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच भी आपको काफ़ी स्मूथ मिलने वाला है। UI की बात करें तो ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉगल बार शो होगा, जहाँ से आप मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टॉर्च को ऑन कर सकते हैं। और नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो होगी। लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, जहाँ से आप रिसेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं राइट साइड से करने पर क्या होता है। तो राइट साइड से करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, और क्राउन की मदद से भी आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। क्राउन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डायलर ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेन्यू में जाने के लिए आपको डिस्प्ले पर टैप करना रहेगा, देन आप मेन्यू में चले जाएंगे। और मेन्यू स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। बाकी जो मेन्यू स्टाइल है आपको थोड़ा यूनिक किस्म की मिलती है, और इसको जूम इन और जूम आउट भी आप कर सकते हैं। बाकी अब इसको फ़ोन से पेयर करते हैं और पेयर करके देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स में मिलते हैं। डिस्प्ले की बेजल की बात करें तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर साइड में काफ़ी कम बेजल मिलता है, बाकी साइड में भी आपको एवरेज साइज़ का मिलता है, बट नीचे साइड में थोड़ा सा मोटा आपको चिन मिलता है। तो बेजल की बात करें तो जैसा कि HW22 में आपको मिलता था, उसी तरह का यहाँ पर भी मिलता है। बाकी ऊपर साइड में आपको एक प्रोटेक्टर लगा हुआ मिल जाता है, तो इसको भी फिलहाल निकाल लेते हैं। इस वॉच में आपको RD फिट नाम के एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इसको ओपन करके वॉच को पेयर करते हैं। तो वॉच कनेक्ट हो गई है, और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि जिस जिस एप्लीकेशन के आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा टेक पिक्चर, ब्लूटूथ कॉल, सर्च डिवाइस, तो सर्च डिवाइस करते हैं
तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉश पे रिंग आ रही है और साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त इसमें मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट, वेदर पुश, ECG, बॉडी टेम्परेचर और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉच फेस भी मिल जाते हैं। तो बाकी मैं इसको अच्छे से चेक करूँगा, उसके बाद बता सकता हूँ मैं कि वॉच कैसी है और क्या आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो काफ़ी मुझे धांसू लगी, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और नई एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलती है, तो इसकी एप्लीकेशन हो सकता है बग्स फ्री हो। इस वॉच में आपको काफ़ी सारी मेन्यू स्टाइल मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लगभग 5 तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है। बाकी फ़ीचर की बात करें तो यहाँ पर मैं एक बार फ़ीचर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इम्यूनिटी, फ़न, ड्रिंक वाटर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, उसके बाद मैसेज, डायलर, फ़ोन बुक, कॉल लॉग्स, BT, पेडोमीटर, नोटिफिकेशन, ECG, स्लीप मॉनिटरिंग, वेदर, स्पॉट, हार्ट रेट, प्रेशर, ऑक्सीजन, BT म्यूजिक, कैलेंडर, अलार्म, स्टॉप वॉच, फाइंड फोन, बॉडी टेम्परेचर सेटिंग, BT कैमरा, सेडेंट्री अलर्ट, कैलकुलेटर, लैंग्वेज ऐप, मोशन, वॉइस असिस्टेंट, पावर सेविंग, मेन मेन्यू। तो इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर एक बार सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में देख लेते हैं कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी है। तो यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले में और यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्राइटनेस है वो 3 लेवल पे है। तो फुल करते हैं तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इसकी डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले वाकई में काफ़ी अच्छी है, बाकी देखते हैं कि आउटडोर में कैसा परफॉर्मेंस देती है। और वॉच फेस की बात करें तो काफ़ी सारे वॉच फेस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एनिमेटेड वॉच फेस भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी एप्लीकेशन में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेस दिए गए हैं, तो बिल्कुल यूनिक और नए डिज़ाइन के वॉच फेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं HW22 Pro में। बाकी जाहिर सी बात है इसमें आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं, तो अपनी फ़ोटो को वॉलपेपर की तरह लगा सकते हैं। फिटिंग की बात करें तो फिटिंग काफ़ी मस्त है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें आपको रेस्ट टू वेक वाला फीचर भी मिल जाता है। तो जैसे ही हैंड को ट्विस्ट करेंगे इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है, बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें आपको हार्ट रेट के साथ साथ SpO2 का फीचर भी मिल जाता है और ब्लड प्रेशर का भी फीचर मिल जाता है, बाकी कितना एक्यूरेट है वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। इसके स्पीकर की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लाउड है और क्लैरिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, तो स्पीकर की क्वालिटी से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो काफ़ी सारे इसमें अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं, फुल्ली लोडेड वॉच है, तो अभी उसको यूज़ करने वाला हूँ मैं, उसके बाद इसका फुल रिव्यू लेकर आऊँगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन में ये वॉच मुझे काफ़ी पसंद आई, खास करके इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। और यहाँ पर आपको नई एप्लीकेशन मिलती है, तो हो सकता है इस एप्लीकेशन में कम बग्स देखने को मिले, बाकी मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा उसके बाद ही बता सकता हूँ कि क्या क्या इसमें अच्छा फीचर मिलता है, क्या बेकार मिलता है और क्या रियल मिलता है, क्या फेक मिलता है। तो इसको मैं अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद इसका फुल रिव्यू लेकर आऊँगा, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।